तबाही की पहली तस्वीर से लेकर राहत बचाव कार्य और उसके साथ साथ नदी का वेग आखिर कहां तक पहुंचा है, अगले आधे घंटे इस तबाही से जुड़ी हर तस्वीर आप देखेंगे। उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह 10:30 बजे तबाही ने पूरी शक्ति से दस्तक दी। देखे भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। तपोन इलाके में ग्लेशियर टूटा, पानी का ऐसा खौफनाक बहाव। जिसने भी जल के इस रौद्र रूप को देखा, हौसला टूट गया। इस जल प्रवाह ने कितनी तबाही मचाई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रिज बच जाएगा। ग्लेशियर टूटा और जल प्रवाह ने ऋषि गंगा नदी का रुख किया। न सिर्फ चमोली जिले में बल्कि पूरे उत्तराखंड में दहशत छा गई। ऋषि गंगा नदी पर बने बैराज का एक गेट खुला था, खुले गेट से पानी के भीषण प्रवाह को देखिए। बैरक भी गया, टूट गया। जिसने भी इस भयानक मंजर को तस्वीरों में देखा, केदारनाथ त्रासदी को याद किया। पानी की मात्रा और प्रवाह इतना ज्यादा था कि एक खुला गेट उसके लिए काफी नहीं था। पानी के वेग ने अपना रास्ता बना लिया। वो रास्ता पानी ने बैराज के दूसरे बंद गेट को तोड़कर बनाया। तेज जल प्रवाह बैराज के दूसरे गेट को अपने साथ बहा कर ले गया। तस्वीरों में आप इस भयानक मंजर को देखिए। चमोली के रिणी गांव में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश और अचानक पानी के तेज बहाव से भारी नुकसान पहुंचा। नदी में अचानक पानी आने से बाढ़ आ गई। अलकनंदा के निचले इलाकों में भीषण बाढ़ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। अचानक पानी की मात्रा बढ़ जाने से ऋषि गंगा नदी का जल स्तर और जल प्रवाह तेजी से बढ़ा। दुर्भाग्य ये कि ऋषि गंगा नदी के तट पर पूरे के पूरे गांव बसे हैं। तस्वीरों में नदी किनारे बने घरों को आप देख सकते हैं। नदी किनारे बसे लोगों के पास पानी के इस वेग का कोई जवाब नहीं। अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए घर और गांव को जल्द से जल्द छोड़ने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं। भीषण बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड सरकार तक पहुंची। सरकार ने अलर्ट जारी किया। ऋषि गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को जल्द से जल्द खाली कराने का निर्देश जारी किया गया है, लेकिन नदी के तेज बहाव ने आसपास रहने वाले लोगों को कोई मौका नहीं दिया। यहाँ भारी नुकसान की खबरें हैं, क्योंकि नदी से लगे घरों में रहने वालों को तो यकीनन जल प्रवाह ने वक्त ही नहीं दिया। ऋषि गंगा नदी के किनारे बसे गांव में जानमाल की कितनी हानि हुई है, इसका तो महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सरकार ने अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। ऋषि गंगा नदी पर बना पुल भी पानी के तेज बहाव के आगे टिक नहीं सका। जल प्रवाह में पुल किसी तिनके की तरह बह गया। इस तबाही के बीच मौजूद स्थानीय लोगों की दहशत भरी आवाज आप पानी की खौफनाक आवाज के बीच सुन सकते हैं।
पानी के इस तेज बहाव के रास्ते में जो भी आया वो सूखे पत्ते की तरह बह गया। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो ऋषि गंगा पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने तबाही का ये मंजर महसूस किया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा तबाही की बात कही जा रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सब कुछ कैसे पूरी तरह से तबाह हो चुका है आप देख सकते हैं। यहां पर जो भी था कुछ नहीं बचा। चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में पूरा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। जहां अलग अलग नदियों के पानी से बिजली बनाने का काम किया जाता था, जिस वक्त बाढ़ आई इस पावर प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, किसी को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला। पूरा पावर प्रोजेक्ट जलमग्न हो गया और वहां काम करने वाले लापता हो गए। हाइड्रो प्रोजेक्ट पार करने के बाद नदी के बढ़े जलस्तर और प्रवाह ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ऋषि गंगा और धौली गंगा के साथ साथ इस बाढ़ का असर अलकनंदा नदी पर भी पड़ा है। विष्णुप्रयाग में संगम के बाद कैसे कई दूसरे इलाकों में बाढ़ का असर पड़ा है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में कितनी तबाही हुई इन तस्वीरों के जरिए जानिए। हर एक तस्वीर बाढ़ की तबाही की कहानी कह रही है। पानी की आवाज खौफनाक मंजर को बयां कर रही है। वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान भी इस तरह की कई तस्वीरें देखी गई थी। तपोवन से लेकर जोशीमठ तक तबाही की तस्वीरों को देखा जा सकता है। नीति और मलारी को रोड जा रहा था, पूरा रोड ही गायब हो गया है। सबसे पहले बाढ़ ऋषि गंगा में देखी गई, इसके बाद धौली गंगा और अलकनंदा से मिलने के बाद इसने कैसे अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पानी के इस प्रवाह और भीषण बाढ़ को लोगों ने देखा। आसपास रहने वाले आम लोगों में हड़कंप मच गया। पूरा डैम खत्म हो गया। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों और पहाड़ों का रुख किया। पानी की खौफनाक आवाज के बीच आप लोगों की चीख पुकार सुन सकते हैं। हर किसी को जल्द से जल्द जगह खाली करने के लिए कहा जा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई घरों के बह जाने की भी खबर है। स्थानीय लोगों में इन तस्वीरों का खौफ साफ साफ देखा गया। लोगों ने नदी में जलस्तर को जैसे ही बढ़ते हुए देखा, आम लोगों के बीच कैसे हड़कंप मचा वो इन तस्वीरों के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं। बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। तपोवन में आई बाढ़ में नदी के पानी का प्रवाह इतना तेज था कि पुल के पुल यहां नदी अपने साथ बहा कर ले गई। पुल के बहने की तस्वीर आप साफ साफ देख सकते हैं। पुल के पीछे से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है।
मंदिर, जोशीमठ, तपोहन से मलारी और सुराही टोटा जैसी जगहों को जोड़ने वाले कई पुल पानी के तेज बहाव में बह गए। इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह भी है कि स्थानीय लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से कट गया है। लोगों की मदद का अब एकमात्र जरिया हवाई रास्ता ही बचा है। सुरक्षित स्थानों पर जाएं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के अलावा यहां एनटीपीसी के भी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज के साथ साथ कई परियोजनाएं अचानक आई इस जल आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ अलग अलग नदियों के किनारे आसपास के गांवों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। फिर भी ये तबाही मचाता हुआ समय। ऋषिगंगा नदी में आई बाढ़ के बाद अलकनंदा से सटे इलाकों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन सभी जगहों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन है कि वह तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। जोशीमठ में डैम फटने के दौरान नदी का जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ गया है। राज्य के कई इलाकों में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लोगों में इस खतरे की दहशत काफी ज्यादा है। ऋषिगंगा की आई बाढ़ ने कितना नुकसान पहुंचाया इसकी शुरुआती तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाढ़ के बाद घर के घर पानी में डूबे हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर आप रिहायशी इलाकों में देख सकते हैं। पानी के तेज बहाव के साथ ये बड़े पत्थर जब रिहायशी इलाकों में गिरे होंगे तो नुकसान का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। बाढ़ के बाद लगातार अलग अलग नदियों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ। कंपनी की तरफ जा रहा है ये। तपोवन में जो कंपनी पानी में बह गई, चश्मदीदों ने उसके बारे में भी बताया। आप खुद पानी में बहती इस कंपनी की तस्वीरों को देखिए। अब वहाँ मौजूद लोगों को सुनिए जो चिल्ला रहे हैं, कंपनी बह गई। तपोवन में आई बाढ़ में नदी के पानी का प्रवाह इतना तेज था कि पुल के पुल यहां नदी अपने साथ बहा कर ली गई। पुल के बहने की तस्वीर आप साफ साफ देख सकते हैं। पुल के पीछे से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में बहे लोगों के शव मिलने लगे हैं। तपोवन में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास ही कई मजदूरों ने अपने रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि इस तरह की जल प्रलय आने वाली है। मृतकों में मजदूरों और स्थानीय लोगों के होने की आशंका है, क्योंकि कई घर नदी के किनारे ही बसे थे। तपोवन और आसपास के इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तस्वीरों में लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 10:30 बजे बाढ़ की खबर के बाद रेस्क्यू टीम को इन इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया था। जिस तरह आज ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ आई, उत्तराखंड बाढ़ का ऐसा मंजर 8 साल पहले भी देखा जा चुका है। बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।